हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फ्रेंड्स, आज हम वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में डिफरेंस देखेंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर के एडवांटेजेस देखेंगे और वाटर ट्यूब बॉयलर का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे फायर ट्यूब बॉयलर हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में अच्छे से जानना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर, जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब कि ऐसा बॉयलर जिसकी ट्यूब्स में वाटर हो और आउटसाइड उसके हॉट गैसेज हों। तो यही होता है कि वाटर ट्यूब बॉयलर इज अ सच अ काइंड ऑफ बॉयलर वेयर द वाटर इज हीटेड इनसाइड द ट्यूब्स एंड द हॉट गैसेज सराउंडेड देम। तो हॉट गैसेज उसमें बाहर रहती हैं। ये वाटर ट्यूब बॉयलर की बेसिक डेफिनेशन होती है। अगर आपसे कोई वाटर ट्यूब बॉयलर की डेफिनेशन पूछता है तो आपको यही डेफिनेशन बतानी है उसको। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है जस्ट फायर ट्यूब बॉयलर का अपोजिट होता है। फायर ट्यूब बॉयलर में हमने क्या पढ़ा था कि हॉट गैसेज पास्ड होती हैं ट्यूब्स के थ्रू और वाटर उसमें सराउंडेड रहता है, मतलब चारों तरफ वाटर रहता है उसके और हॉट गैसेज अंदर रहती हैं। और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, वाटर ट्यूब्स के अंदर रहेगा और हॉट गैसेज सराउंडेड रहेंगी उसके। चलिए फिगर की मदद से आसानी से समझ लेते हैं। तो ये हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है इधर लेफ्ट साइड, इधर फायर ट्यूब बॉयलर है। ये वाटर ट्यूब बॉयलर, ये आपका फायर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है फ्रेंड्स, वाटर यहाँ से इनलेट हुआ तो वाटर क्या रहता है इनसाइड ट्यूब्स, ट्यूब्स के अंदर क्या रहता है यहाँ पानी भरा होता है, और फायर आउटसाइड ट्यूब्स। फायर का मतलब होता है हॉट गैसेस, तो हॉट गैसेस ट्यूब्स के बाहर रहती हैं जिसकी वजह से पानी गर्म होता है और वो हमें स्टीम उससे मिल जाती है। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है फ्रेंड्स, फायर इनसाइड ट्यूब्स। फायर इनसाइड ट्यूब्स का मतलब होता है कि हॉट गैसेज रहती हैं ट्यूब्स के अंदर और वाटर आउटसाइड ट्यूब्स, और ट्यूब्स के बाहर क्या रहता है वाटर रहता है। तो इसमें ट्यूब्स के बाहर जब वाटर रहता है तो उससे पानी गर्म होता है और हमें स्टीम मिल जाती है। तो दोनों ही बॉयलर अलग अलग होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर में दो ड्रम्स का यूज किया जाता है, एक स्टीम ड्रम होता है फ्रेंड्स और एक मड ड्रम होता है। उसके बाद हमें सुपरहीटेड स्टीम मिल जाती है। तो पहले इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, फिर इसमें स्टीम ड्रम और मड ड्रम हम एक एक करके डिस्कस करेंगे किसका क्या क्या रोल है। वैसे तो वाटर ट्यूब बॉयलर के कई सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ एडवांटेजेस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर को हम बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशंस में, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में फ्रेंड्स यूज करते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज होता है फ्रेंड्स, लार्जर हीटिंग सरफेस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग मोर नंबर ऑफ वाटर ट्यूब्स। मतलब ज़्यादा वाटर ट्यूब्स का यूज करने से हमें लार्जर हीटिंग सरफेस हमें मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज होता है फ्रेंड्स, ड्यू टू कन्वेंशनल फ्लो द मूवमेंट ऑफ वाटर इज मच फास्टर देन दैट ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। तो जो इसमें कन्वेंशनल जो फ्लो होता है उसके कारण जो वाटर का मूवमेंट है वो ज़्यादा मिल जाता है फायर ट्यूब बॉयलर के कंपैरिजन में। अभी ये जो कन्वेंशनल फ्लो है ये अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो इस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज हायर विच रिजल्ट इन हायर एफिशिएंसी। तो क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र का रेट ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाटर ट्यूब बॉयलर में और फायर ट्यूब बॉयलर में किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो आप बताएंगे कि वाटर ट्यूब बॉयलर की एफिशिएंसी फायर ट्यूब बॉयलर से ज़्यादा होती है। तो और एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है फ्रेंड्स कि इसमें 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का प्रेशर हमें मिल जाता है। 140 से 150 केजी स्क्वायर 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का प्रेशर हमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर।
अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ देखते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। तो ये फ्रेंड्स आप अच्छे से देख लें, आपको किसी भी इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वाटर ट्यूब बॉयलर का। तो चलिए इसको समझते हैं फ्रेंड्स। देखो वाटर ट्यूब बॉयलर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सिंपल है। तो इसको हम एक बिल्कुल बेसिक डायग्राम के मदद से अब हम इसको समझते हैं। ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम वाटर ट्यूब बॉयलर का बनाया गया है, इसकी मदद से अब हम एक एक करके इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। देखो इट कंसिस्ट ऑफ टू ड्रम्स, इसमें दो ड्रम होते हैं, वन इज एन अपर ड्रम कॉल्ड स्टीम ड्रम एंड अदर इज अ लोअर ड्रम कॉल्ड मड ड्रम। दो ड्रम हो गए, पहला अपर ड्रम है वो कहलाएगा आपका स्टीम ड्रम, ये लिखा भी है स्टीम ड्रम और अपर ड्रम, और लोअर ड्रम जो, और लोअर ड्रम क्या कहलाता है हमारा मड ड्रम। मड ड्रम और लोअर ड्रम दो ड्रम हो गए हमारे पास। दीज अपर ड्रम्स एंड लोअर ड्रम्स आर कनेक्टेड विद टू ट्यूब्स नेमली डाउन कमर एंड राइजर ट्यूब्स एज सोन इन द पिक्चर। अब जो इसमें दिखाया गया है, आपको पिक्चर में दिखाया गया है, तो ये जो अपर ड्रम होता है और लोअर ड्रम होता है दो ट्यूब्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम डाउन कमर ट्यूब्स कहते हैं और राइजर ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसको। इन द अपर ड्रम द स्टीम इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर नेचुरली एंड स्टोर्ड अबव द वाटर सरफेस। अपर ड्रम में क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्टीम होती है वो वाटर से नेचुरली सेपरेटेड हो जाती है और उसके ऊपर स्टोर हो जाती है। द वाटर इन द लोअर ड्रम एंड इन द राइजर कनेक्टेड टू इट इज हीटेड एंड स्टीम इज प्रोड्यूस्ड इन दैम विच कम्स टू द अपर ड्रम नेचुरली। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो राइजर के द्वारा स्टीम हमारी अपर ड्रम में आकर इकट्ठी हो जाती है, अपर ड्रम में स्टीम इकट्ठी होती चली जाती है और वाटर के ऊपर आ जाती है। देखो जो फिल्टर वाटर इज फेड फ्रॉम फीड वाटर इनलेट, ये फीड वाटर इनलेट होता है, यहाँ से फेड किया जाता है एट द अपर ड्रम। अपर ड्रम पर हम क्या करेंगे, फीड वाटर इनलेट से कोल्डर वाटर को हम फीड करेंगे या देंगे। एंड दिस वाटर इज हैवियर देन द हॉटर वाटर ऑफ लोअर ड्रम। अब ये क्या होता है, देखो जो ठंडा पानी होता है वो गर्म पानी की तुलना में ज़्यादा भारी होता है, मतलब जो ठंडा पानी होता है वो हैवियर होता है इन कंपेरिजन टू हॉटर वाटर। द कोल्डर वाटर पुशेज द हॉटर वाटर अपवर्ड थ्रू द राइजर। जो कोल्डर वाटर होता है फ्रेंड्स, वो राइजर के थ्रू जो है हॉटर वाटर को ऊपर धकेलता है। ये आप देख रहे हैं नेचुरल सर्कुलेशन फ्लो है इसका, जो कोल्डर वाटर है वो नीचे आएगा और जो गर्म पानी है इसमें उसको ऊपर ढकेलेगा। ऊपर ढकेलने की वजह से क्या होगा, जितनी भी स्टीम है यहाँ आकर इकट्ठी होती चली जाएगी ऊपर वाले हिस्से में। सो देयर इज वन कन्वेंशनल फ्लो ऑफ वाटर इन द बॉयलर सिस्टम। तो नेचुरल सर्कुलेशन फ्लो ये मिल जाएगा हमें, एक कन्वेंशनल फ्लो इस डायरेक्शन में, जो ये दिखाया गया है ब्लू एरो से आपको, इस डायरेक्शन में कन्वेंशनल फ्लो मिल जाएगा वाटर का। मोर एंड मोर स्टीम इज प्रोड्यूस्ड द प्रेशर ऑफ द क्लोज सिस्टम इंक्रीजेज विच ऑब्स्ट्रक्स द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ वाटर एंड हैंस रेट प्रोडक्शन ऑफ स्टीम बिकम स्लोअर प्रोपोर्शनली। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे जैसे ज़्यादा स्टीम बनने लगती है तो एक ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है और ये स्टीम का रेट प्रोडक्शन कम होने लगता है, इसमें स्टीम का रेट प्रोडक्शन हमारा कम होने लगता है। अगर लेकिन अब क्या होता है कि अगर हम स्टीम को आउटलेट के द्वारा ले लें तो क्या होगा फिर उसके बाद में, अगेन इफ द स्टीम इज टेकन थ्रू स्टीम आउटलेट द प्रेशर इनसाइड द सिस्टम फॉल्स एंड कंसीक्वेंटली द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ वाटर बिकम्स फास्टर, दिस रिजल्ट्स इन द फास्टर स्टीम प्रोडक्शन रेट। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही हम स्टीम को आउटलेट के थ्रू ले लेते हैं तो प्रेशर जो होता है सिस्टम के अंदर का प्रेशर डाउन हो जाता है, उस प्रेशर डाउन होने की वजह से क्या होता है, वाटर का जो कन्वेंशनल फ्लो है फिर और तेज हो जाता है और स्टीम का जो प्रोडक्शन रेट है वो भी फास्टर होने लगता है। इस तरह से क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर कैन कंट्रोल इट्स ओन प्रेशर। इस तरह से अपना ये वाटर ट्यूब बॉयलर अपना प्रेशर खुद ही कंट्रोल कर लेता है और इसको हम सेल्फ कंट्रोल्ड मशीन भी कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर को। तो फ्रेंड्स
ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।